नहीं देखिए, ऐसे शिक्षा मंत्री को तो एक मिनट भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। नौजवानों से अपील करूंगा कि ऐसे शिक्षा मंत्री को कॉलेज में घुसने न दिया जाए। अगर वो कहीं भी कॉलेज के कार्यक्रम में जाते हैं, उनको काले झंडे दिखाएं, उनको वापस करें, उनको कॉलेज में घुसने नहीं दें, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तो राज्यद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, जो समाज में विद्वेष पैदा करता है और हिंदू धर्म की सहिष्णुता का लाभ उठा रहे हैं। क्योंकि हिंदू सहिष्णु है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी कुछ भी बोलकर चला जाए। नीतीश जी को अविलंब ऐसे शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं आपके साथ प्रेम राज। देखिए, जिस तरीके से शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था, उसके बाद जो बिहार का सियासत है वो काफ़ी तेज हो गया है। आपको बताते चले कि अब जो बिहार सरकार में मंत्री हैं अशोक चौधरी, उन्होंने भी शिक्षा मंत्री के बयान को गलत ठहरा दिया। और आज सुबह सुबह जब सुशील कुमार मोदी एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनके बयान को लेकर भी गलत ठहरा दिया और कहते हैं कि जहां शिक्षा मंत्री जाए, जो भी कार्यक्रम में जाए, उनको बर्खास्त किया जाए और जो युवा है वो उनको काला झंडा दिखाए। क्या कुछ कह रहे हैं सुशील कुमार मोदी, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। नहीं देखिए, ऐसे शिक्षा मंत्री को तो एक मिनट भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। और मैं बिहार के नौजवानों से अपील करूंगा कि ऐसे शिक्षा मंत्री को कॉलेज में घुसने न दिया जाए। अगर वो कहीं भी कॉलेज के कार्यक्रम में जाते हैं, उनको काले झंडे दिखाएं, उनको वापस करें, उनको कॉलेज में घुसने नहीं दें। जो रामचरितमानस जैसे महाकाव्य, जो भगवान राम के जीवन पर आधारित तुलसीदास जी ने लिखा है, उस रामचरितमानस के बारे में यह कहना कि यह नफरत पैदा करता है। और कुछ दिन पहले जगता बाबू का बयान आया कि राम जन्मभूमि का जो मंदिर है वो नफरत की ज़मीन पर बन रहा है, कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग इनके लिए राम जन्मभूमि का मंदिर नफरत की ज़मीन पर है। रामचरितमानस ये नफरत पैदा करने वाला ग्रंथ है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तो राज्यद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, जो समाज में विद्वेष पैदा करता है। अगर इन्होंने किसी दूसरे धर्म के खिलाफ इस प्रकार का अगर वाक्य प्रयोग किया होता तो शायद उनके लिए जिंदा रहना भी मुश्किल होता। तो इसलिए अगर उनमें हिम्मत है तो अन्य धर्मावलंबियों के भी ग्रंथ में बहुत तरह की ऐसी बातें हो सकती हैं जिस पर मतभेद हो सकता है, और उस पर टिप्पणी करने को की उनको हिम्मत नहीं है, और हिंदू धर्म की सहिष्णुता का लाभ उठा रहे हैं। क्योंकि हिंदू सहिष्णु है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी कुछ भी बोलकर चला जाए। और नीतीश जी कह रहे कि मैं बात करूँगा, मुझे नहीं मालूम है। और राष्ट्रीय जनता दल के लोग बेशर्मी के साथ डॉक्टर चंद्रशेखर के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री के पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। और नीतीश जी को अविलंब ऐसे शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। तो अभी आप सुशील कुमार मोदी को सुन रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से जो शिक्षा मंत्री बयान दिए हैं, जो रामचरितमानस को लेकर बयान दिए हैं, वो कहीं ना कहीं गलत है। और वो जहां जाते हैं, जिस कॉलेज में जाते हैं, कोई प्रोग्राम में जाते हैं, वहां पे उनको काला झंडा दिखाया जाए। और युवाओं से ये अपील कर रहे हैं, लगातार जो शिक्षा मंत्री बयान दिए हैं उस पर बीजेपी के जो लोग हैं लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं। हम बात करें नेता प्रतिपक्ष के या फिर अन्य नेताओं के, लगातार जो सवाल है वो खड़े कर रहे हैं शिक्षा मंत्री के बयान पर। शिक्षा मंत्री है वो अपने बयान पे अड़िग हैं, अभी तक माफ़ी भी नहीं मांगे हैं। तमाम जो कई नेता हैं उनको कहना है कि वो माफ़ी मांगे, पर राजद के जो प्रवक्ता है उनका कहना है कि ये उनका निजी बयान है, वो इस बयान को निजी करार दे दिया। बाकी की तमाम खबरों के बने रहे लाइव स्टूडियो के साथ। लाइव स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।